हेलो डियर स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन ए पी जी की दुनिया में आइए एक बहुत सुंदर सा सवाल करते हैं अ बस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एक बस है जो तो रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करती है विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलेशन है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अ मैन स्टैंडिंग फोर्टी एट मीटर बिहाइंड द बस ये जो मैन है इससे अड़तालीस मीटर पीछे खड़ा है स्टार्ट रनिंग टू द बस साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है इसकी तरफ द मैन कैन कैच द बस तो मैन कितने समय में इसको कैच कर लेगा देखो कैच करने का मतलब ये होता है कि दोनों की जो लोकेशन है वो सेम हो जाए जैसे ये इस बस की तरफ भाग रहा है बस की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड इस मैन की जो स्पीड है वो टेन मीटर पर सेकंड है टी एट मीटर पीछे ये है तो जब भी भी ये बस को कैच करेगा मान लीजिए इस लोकेशन पे कैच करता है तो दोनों की जो लोकेशन है वो सेम होगी और माना यहाँ पे टी इजिकल्स टू जीरो है और यहाँ पे भी टी इजिकल्स टू जीरो है और ये किसी टी टाइम पे इसको कैच कर रहा है मेरे को ये टी की वैल्यू ही बतानी है तो जब जब भी, भी इसको कैच करेगा ना तो दोनों की लोकेशन सेम होगी जब टी टाइम में अगर ये जो बस है इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इतने ही समय में जो बॉय है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा ओके okay? तो बॉय को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी कर पड़ेगी मतलब जितनी डिस्टेंस बस ने ट्रेवल की है ना उसकी बजाय 48 एट मीटर्स को एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ेगी तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस प्लस फोर्टी मीटर होना चाहिए बस तो ये जो बॉय है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो जो उसका मोशन होता है ना वो यूनिफॉर्म मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस बराबर होता है जो भी उसकी वेलोसिटी है इनटू टाइम बस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है और जब एक्सलेशन कांस्टेंट होता है बच्चों तो हम लोगों को पता है हम लोग सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं एस एज इकोस टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड दिस इज फोर्टी एट बट यू की वैल्यू कितनी है जीरो है क्योंकि इनिशियली बस रुकी हुई थी बॉय की वेलोसिटी है टेन टाइम है टी हाफ एक्सेलरेशन है उसको लिख सकता हूँ मैं टेन टी बराबर टी स्क्वायर अपॉइंट टू प्लस फोर्टी एट क्यों ना टेन टी को भी अपन लोग इधर ही लें अगर मैं ऐसा करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉइंट टू माइनस टेन टी प्लस फोर्टी एट बराबर जीरो चलो दो को एल्सीम ले लेते हैं तो टी स्क्र माइनस ट्वेंटी टी प्लस नाइन्टी सिक्स बराबर जीरो टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टी प्लस नाइनटी सिक्स बराबर जीरो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यारों तो क्या होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होती है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए होता है एक्स का कॉफिशियंट बी होता है दिस इज कॉन्स्टेंट और x एज टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो यहाँ पे टी का काफिशियंट वन है तो a की वैल्यू वन है t का कोफिशेंट माइनस ट्वेंटी है तो b की वैल्यू माइनस ट्वेंटी है एंड कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू 96 सिक्स है तो so देखो टाइम की वैल्यू क्या आने वाली है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए आई माइनस बी इसकी वैल्यू है माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाई टू ए की वैल्यू वन दिस इज ट्वेंटी प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा चार सौ और जब आप नाइन्टी सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा थ्री एटी फोर अपॉन टू ट्वेंटी प्लस माइनस चार सौ में से थ्री एट्टी फोर घटाओगे तो सोलह आएगा एंड सोलह का रूट होता है फोर अपॉन टू दिस इज टाइम तो से टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी एक तो प्लस लेकर आएगी और एक माइनस लेके आएगी पहली वैल्यू आ जाएगी प्लस लेके लेकर करते हैं ट्वेंटी प्लस फोर अपॉन टू ट्वेंटी फोर अपॉन टू मतलब बारह सेकेंड्स एंड जो दूसरा टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वेंटी माइनस फोर अपॉन टू तब सिक्सटीन अपॉन टू मतलब एट सेकेंड्स देखो ये जो दोनों टाइम है ये दोनों टाइम पॉसिबल हैं है ना बारह सेकेंड और आठ सेकेंड दोनों टाइम ऐसे हैं जिसमें इसको कैच कर सकता है मतलब ये इस बस को बारह सेकेंड पर भी कैच कर सकता है और आठ सेकेंड पे भी कैच कर सकता है ओके द मैन कैन कैच द बस तो दो वैल्यूज हो सकती हैं आठ सेकेंड्स और बारह सेकेंड दोनों पे ही इसको कैच कर सकता है सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई थिंक आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड